देखिए आज है शिवरात्रि और हम जा रहे हैं मंदिर, शिव मंदिर, दोनों पति पत्नी। पूजा का सामान ले, पूजा का सामान हमने ले लिया है और अब हम जाएंगे मंदिर और मंदिर जाके हम करेंगे पूजा भगवान शिव की। आराध्य शिव हैं हमारे और बाकी वहीं पर हम मंदिर का दर्शन आपको कराते हैं। यहाँ गए हैं मंदिर, शिव मंदिर के मुख्य द्वार पर। पूजा कर लो, अभी नहीं है, जो भी है उसी से कर लो। चलो, आप सही है, स्वास्थ्य आज आओगे, शाम को आओगे। चलो कोशिश करोगे तो सबसे देखिए आज है शिवरात्रि और हम जा रहे हैं मंदिर, शिव मंदिर, दोनों पति पत्नी। पूजा का सामान हमने ले लिया है और अब हम जाएंगे मंदिर और मंदिर जाके हम करेंगे पूजा भगवान शिव की। आराध्य शिव हैं हमारे और बाकी वहीं पर हम मंदिर का दर्शन आपको कराते हैं। तो जी मंदिर से आने के बाद में बस मैंने ये कपड़े धुलने लगा दिए थे पहले ही, तो बस मैं कपड़े सुखा रही हूँ। और शिवरात्रि के दिन की वीडियो थी ये, उसके बाद में मुझसे कुछ भी काम नहीं हुआ क्योंकि मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मजबूरी थी। बस व्रत तो मैंने रखा था लेकिन हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि एक तो मुझे भी फीवर चल रहा है कई दिन हो गए और बस फीवर की वजह से भी मुझे ज़्यादा परेशानी है और वैसे भी थोड़ा सा हो जाती है। और फिर सीधा अगले दिन की वीडियो है ये, और आप इतनी हिम्मत वो मान लीजिए कि मुझसे इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी साड़ी भी बदल लूँ। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि जो कि तो मैं जैसे कि जैसे मतलब सो गई थी, मैंने साड़ी तक नहीं बदली थी, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी बिल्कुल भी। और बस किस तरह से मैंने खाना बनाया था मुझे ही पता है, और बस क्योंकि देखिए खाना तो कोई नहीं बना सकता, और तो सारे काम भी कर ले लेकिन खाना नहीं बनता। पहले तो हस्बैंड बना लेते थे, जैसे कुछ तबीयत ख़राब होगी तो कभी कभी मतलब बना लिया, परेशानी हुई तो कुछ कर लिया, मतलब अब नहीं होता। तो अब सीधा फिर शाम की वीडियो है ये, फिर भी मुझसे कुछ नहीं हुआ दिन में, तो बस नहा धो के मैं लेट ही गई थी, कुछ नहीं काम हुआ था। और बस अभी यहाँ पे सीधा मैं सब्ज़ी बना दी है, मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है और बस अभी मैं आटा बना के सीधा रोटियाँ बना रही हूँ, और साथ में हस्बैंड भी हेल्प करा रहे हैं और ये करा देते हैं। सच में इन्हें पता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो ये जितना इनसे होता है उतना करा देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं रोटियाँ बना देती हूँ, तो फिर ये कहने लगी चलो मैं लगा देता हूँ, बच्चों को दे देता हूँ, और दूध वगैरह भी इन्होंने ही दिया, मुझसे हुआ ही नहीं। तो ये वीडियो है 19 तारीख की और शिवरात्रि वाले दिन जो बनाई थी बनी थी बस वीडियो, उससे बाद में मुझसे कुछ नहीं हुआ। तो बस अभी मैं रोटियां बना रही हूँ और ये बच्चों के लिए टिफिन वो खाना लगा रहे हैं और बच्चों को खाना दे देंगे। उसके बाद में दूध वगैरह भी इन्होंने ही दिया, जो मुझसे हुआ मैंने किया, बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए थे, जो मतलब जो मेरा काम था मैंने किया। ये कहने लगे और मैं कर लूँगा अपने आप, बच्चों को दूध भी मैं दे दूँगा और ये सारा काम भी मैं कर दूँगा। तो बस अभी
खाना लगा रहे हैं और मैं खाना बना रही हूँ, तो ये बच्चों को दे देंगे, साथ साथ ही बच्चे भी खा लेंगे और बस अभी फिर हम दोनों भी खा लेंगे और फिर बर्तन वर्तन साफ़ करके निपटा दूँगी मैं अपना काम सारा। तो बस अभी सबसे पहले रोटियां बना लेती हूँ मैं। और देखिए काम तो जो करना है वो करना है, वो नाटक भरने से भी कुछ नहीं होगा कि मुझसे नहीं हो रहा, जो हो रहा है अपना आराम आराम से कर लेती हूँ मैं, जो भी है नहीं नाटक नहीं, मतलब ये नहीं बढ़ती कि जिस तरह से ढोंग भरने होते हैं मुझसे नहीं होता, मैं जो भी मुझसे होता है मैं कर लेती हूँ आराम आराम से कर लेती हूँ बस। उसके बाद में बस मैंने बर्तन वर्तन साफ़ कर लिए, बर्तन करने थे ये, तो ये खाने के बर्तन हुए थे सारे, ज़्यादा बर्तन नहीं हुए, थोड़े से ही बर्तन थे बस, तो बस अभी खाने पीने के हैं और बर्तन खाना बनाने के हैं। तो बस अभी सबसे पहले मैं झूठन साफ़ कर लूँगी और बस अभी उसके बाद में ये सारे बर्तन मैं वो कर दूँगी। सबसे पहले मैंने बेलन धोकर रख दिया है क्योंकि देखिए बेलन को तो वो नहीं करते, मतलब झूठे बर्तन में नहीं रखते, तो इसलिए मैंने बेलन को भिगो कर रख, पहले ही भिगो कर रख दिया था खाना बनाते ही, तो बस उसे धोकर रख दिया है। और ये जो झूठे बर्तन है इनकी सारी सबकी झूठन साफ़ कर लूँगी मैं। तो सबसे पहले झूठन साफ़ करने के बाद में सिंक साफ़ करने के बाद में उसके बाद ही मैं सारे बर्तन वर्तन मांझ के उन्हें धुल के रख दूँगी। तो बस यही रात का काम होता है, जैसे जो है गैस वैस साफ़ कर दूँगी, जो भी है जितना हो रहा है उतना मैं कर देती हूँ। और मैं ये नहीं कहती कि मुझसे मतलब होता है तो मैं करके ही सोती हूँ, नहीं, देखिए जिस दिन भी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो मैं नहीं भी करती, मुझसे नहीं होता तो मैं नहीं करती। मैं ये नहीं है कि मैं बच्चों को परेशान करूँगी, हस्बैंड को, सुबह होगा मुझसे सुबह कर लेती हूँ मैं, जितना मेरे से होता है मैं करती हूँ, जितना जब नहीं होता तो मैं नहीं करती। अभी ये भी आ गए हैं, ये बच्चों को दूध दे रहे हैं और मैं अपने बर्तन वर्तन साफ़ कर रही, तो ये साथ साथ ही निपटा देंगे काम को और फिर मैं ना लेट जाऊँगी आराम से, जिससे मुझसे ज़्यादा तो हो नहीं रहा। वैसे ये मेरी हेल्प करा देते हैं, इनसे जितनी होती है उससे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ये मतलब मेरी हेल्प कराते हैं, क्योंकि देखिए ये भी बिज़ी रहते हैं बहुत ज़्यादा, इनका भी काम है, वर्क लोड बहुत ज़्यादा है इनके भी, और टेंशन सबसे बड़ी बात है, टेंशन चारों तरफ की टेंशन जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, मतलब टेंशन सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करती है। तो देखिए और लगी रहती है ज़िंदगी में टेंशन वगैरह, ये सब चीज़ें तो लगी रहती हैं, तो ये सब तो होता ही रहता है। तो बस अभी देखिए मैं अपना खाना वो बर्तन वर्तन साफ़ कर रही हूँ और देखिए उन्होंने तो बाहर की लाइट भी बंद कर दी बच्चे को दूध देने के बाद में, बस लाइट वाइट बंद कर दी और बस अभी मेरे बर्तन वर्तन साफ़ हो जाएंगे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, ज़रा सी भी अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ हेल्प करें थोड़ी सी। और बस बड़ी मुश्किल से वीडियो बनती है, देखिए तो ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बन गई और बन के बना तो लो चलो, लेकिन उसके बाद में उसे एडिट करना वर्क करना बहुत टाइम लग जाता है इसमें भी। और बस अभी चलो बर्तन वर्तन साफ़ करके उसके बाद में मुझे थोड़ा सा गैस वैस साफ़ करने के बाद में सारा अपना निपटा दूँगी अपना काम सारा। और रात करने थोड़े से लाइट की हमारे किचन में प्रॉब्लम हो रही है, मैं करवाऊँगी ठीक इनसे, ट्यूबलाइट दूसरी लगवाऊँगी, बल्ब वगैरह कुछ ना कुछ तो करवाऊँगी, थोड़ा सा वीडियो के उसमें ना थोड़ा दिक्कत होती है, वैसे तो हो जाता है काम लेकिन वैसे थोड़ी सी दिक्कत होती है बस। तो बस अभी मैं ये छन्नी वगैरह हैं जो चाय की छन्नी होती हैं, इनको भी अच्छी तरीके से ब्रश से साफ़ कर दूँगी और बस अभी मेरा सारा काम निपट जाएगा जल्दी से। और काम तो देखिए कितना भी कर लो, चाहे का तबीयत ख़राब हो या ना हो, एक तो खाना बनाना मेन होता है जो ज़रूरी बनता है, चाहे कुछ हो या ना हो, और काम छोड़ सकते हैं हम, खाना नहीं छोड़ सकते, खाना तो ज़रूरी बनेगा, खाना बनेगा तो बर्तन भी होंगे, बर्तन भी साफ़ करने पड़ेंगे, तो देखिए ये तो ज़रूरी ज़रूरी के काम जो हैं ये तो करने ही पड़ेंगे, चाहे हमारी हालत कुछ भी हो, कुछ भी हो हमारे शरीर पर, चाहे क्या कुछ मतलब वो हो, लेकिन हमें ये तो करना ही करना पड़ेगा। तो बस अभी मेरे बर्तन हो चुके हैं साफ़ और बस मैं भी थोड़ी सी ना सिंक साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा गर्म पानी साइड से डाल देती हूँ, जिससे कि ना जो कीटाणु वीटाणु होते हैं वो सारे मर जाते हैं,
क्योंकि अभी गर्मियों का दिन हो गया ना, तो इस टाइम पे ये थोड़े से कीटाणु वगैरह पनपते हैं इस टाइम पे, और बारीक बारीक से मच्छर भी आ जाते हैं, जैसे सब्जी लेते हैं कुछ वगैरह तो उस पर भी मच्छर वच्छर आ जाते हैं। तो बस उनके इसीलिए मैं थोड़ा सा ना गर्म पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं केतली में कर लेती हूँ, इलेक्ट्रिक केतली में उसे गर्म करके उसे डाल देती हूँ साइड में। और बस अभी मैं थोड़ा सा ये गैस वैस भी साफ़ कर दूँगी, ज़्यादा गंदी तो हो नहीं रही, थोड़ा सा हल्का हल्का सा ऐसे ही कपड़ा वपड़ा मार दूँगी। और अभी आप देख सकते हैं, मेरी वॉइस से भी देख सकते हैं, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे वीडियो भी डाल